अमावस्या की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज अमावस्या की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। निवास वो घर में पाते हैं, पितृ भी शांत सदा रहते। इस व्रत को करने से आशीर्वाद सदा मिलता है नाम सुमिरने से, और अखंड सौभाग्यवती रहती है महिलाएं। विधि विधान से अमावस्या के व्रत को जो भी निभाए, अमावस किंतु होती बड़ी पावन। स्नान करने को कई पावन तीर्थों पे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। सोमवती अमावस्या की एक कथा भी है, पूजा पाठ के बाद अवश्य ही जाती जो सुनी है। पुण्य बड़ा ही अमावस्या का व्रत करने से मिलता है, जिस पर हो जाए प्रसन्न हरि उसका सेका चलता है। पितृ पक्ष के नाम से भी पकवान बनाते हैं, ब्राह्मण को भोजन और गाय को रोटी खिलाते हैं। श्रद्धा पूर्वक व्रत विधि को सदा निभाना चाहिए, व्रत करने वाले को अमावस्या कथा भी सुननी चाहिए। आओ भक्तों उसी कथा को यहाँ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। करती पीपल को जल देने जाती थी, इन दोनों के घर में भक्तों कन्या एक हुई। साथ समय के कन्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, कन्या हुई सयानी चिंता ब्राह्मण को ये सताए। बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण उसका ब्याह कैसे कर पाए, पति पत्नी की चिंता में दिन बीतते जाते हैं।
पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। जाती सब निर्धनता पर आकर, सुंदर और सुशील कन्या पर धन कहाँ से आए, और बिना धन के कन्या का ब्याह न हो पाए। उसकी पत्नी ब्राह्मण से एक दिन ये कहने लगे, हमारी बेटी दुल्हन बनकर क्या जाएगी कभी। आज तक कोई न जान पाया, हम सब मानव हैं, मानव का फर्ज निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। बताई होगा कोई उपाय, साधु बाबा उस कन्या को पास बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। साधु से होगा उपाय कोई, कन्या सयानी जो हो जाए सब करते हैं विवाह, कैसे होगा बाबा ब्याह बिन इसका तो निर्वाह। पहुँचे हुए हैं आप महात्मा, कोई उपाय बताएं, जिससे समय पर ब्याह हमारी कन्या का हो जाए। साधु बाबा उनको एक उपाय बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया।
परायण करनी होगी जाकर इसी सोना धोवन की सेवा। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि सेवा से मिलता मेवा। अपनी माँ से कुछ सिंदूर जो सोना इसको लगाए फिर तो आपके कन्या का भी ब्याह शीघ्र हो जाए। सौभाग्यवती ये कन्या तुम्हारी रहेगी। इतना कहकर साधु बाबा लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। सिंदूर वो तुम्हें सजाएगी। अपनी माँ की बात को भी तो कन्या ने लिया मान। रोज वो करने लगी जा कर के धोबन के घर काम। अनेकों दिन उस कन्या के यूं बीतते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। काम भला किया ये किसने है, कहने लगी ये उसकी बहू के। जब मैं उठी सोकर कौन चली गई जाने, सारा घर का काम निपटा कर। सोना धोबन भी इस बात को जान नहीं पाई, देखा अगले दिन वही कन्या करने काम आई। सोना धोबन जानना चाहा, बिना स्वार्थ क्यों तुमने ये घर का काम निपटाया। कन्या ने बतलाया जो साधु बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। मान गई सोना धोबन फिर ब्राह्मण के घर में
बचाई उसने गया वो स्वर्ग सीधा। सोमवती अमावस का था भक्तों वो पावन दिन, जल पिया ना सोना ने और ना ही खाया अन्न। पता चला कि पति देव चल स्वर्ग को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। खाई एक पीपल फिर सोना धोबन की राहों में आया, भंवरी देने का सोना ने फिर तो मन है बनाया। एक ईंट के 108 टुकड़े कर लिए हैं और भंवरी में पीपल को वो अर्पण कर दिए हैं। 108 पीपल की परिक्रमा लगाई, उसके पति के मृत शरीर में फिर से जान है आई। जो थे पति बीमार स्वस्थ अब हो ही जाती है, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या ये व्रत किया जाए। पहुँचाई पीपल के संग गौरी गणेश को भी तो जाया मनाया। अमावस्या के व्रत का हमने सारा हाल सुनाया, पुण्य प्राप्त हो सब भक्तों को हम ये चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए। है महिलाएं भी तो हमेश, अमावस्या की कथा सुनने से पुण्य बड़ा मिलता। हंस राज रिलहने से कथा को तब ही है सुनते, फौजी सुरेश को लिखने के लिए वही बताते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं, बड़ा ही पावन अमावस्या का व्रत बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया जाए, जब जब भी अमावस्या आए ये व्रत किया।